दोस्तों, क्या आपके भी पास सैमसंग का कीपैड वाला फ़ोन है? उसमें आपको वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं सैमसंग कीपैड फोन साउंड प्रॉब्लम, या दोस्तों सैमसंग कीपैड फोन में आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। वॉल्यूम की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है सैमसंग के कीपैड वाले फ़ोन में, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो प्रॉब्लम आप एक सेकंड में सही कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना है, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ सेटिंग खुलेगी, यहाँ पे आपको सेटिंग को चूज़ करना है इस तरीके से। यह सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोफाइल पर ही आपको क्या करना है, इस वाले बटन को दबाना है, मेन्यू वालों को। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इसी को दबाना है। ठीक है, यह एडिट है, इस पर नीचे की तरफ करेंगे, एडिट करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे की तरफ वॉल्यूम का एक यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम को यहाँ पे आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इस वाले बटन से, ठीक है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये बटन है, इसको आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ करेंगे तो इसको भी इस तरीके से करना है। अगर आप मैसेज वाला अलर्ट बंद करना चाहते हैं बिल्कुल, तो इस तरीके से कम कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका कीपैड वाला, ठीक है, इस तरीके से। फिर नीचे की तरफ आएंगे, अलर्ट ट्यून को इस तरीके से फुल कर सकते हैं। यहाँ पे सभी को फुल करने का सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सभी मैंने फुल कर दी हैं इस तरीके से। अब आपके फ़ोन में आवाज़ एकदम बहुत ज़्यादा आएगी, अच्छी आएगी। आप गाना सुनेंगे तब भी आवाज़ आपकी सही आएगी, फिर भी आपको आवाज़ कम मिल रही है तो आपको इसको खोलना है। ठीक है, इस ढक्कन को यहाँ से खोलना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे थोड़ा जिससे हम ब्रश करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरीके से उसमें डाल के साफ़ कर देना है इस तरीके से। ठीक है, कभी कभी इसमें डस्ट चली जाती है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आपको साफ़ कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर फ़ोन ज़्यादा पुराना है तो आपको किसी ना किसी शॉप पे जाके, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके, जहाँ पे मोबाइल सही होते हैं, वहाँ से उनसे कहना है कि इसका स्पीकर चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो वो कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।